आज हम ऊपरी वायुमंडलीय पवन प्रवाह से संबंधित जेट स्ट्रीम जेट प्रवाह का अध्ययन करेंगे। जेट स्ट्रीम ऊपरी सौर मंडल में पाई जाने वाली तीव्र गति की पवने हैं। ऊपरी वायुमंडल में पाई जाने वाली पछुआ पवनों को, चूंकि ये पवने पश्चिम दिशा से आती है इसलिए इनको ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवने भी कहते हैं। ये पछुआ पवने लहर नुमा आकृति में बहती हैं, इसलिए इनको नाम इनका नामकरण रोसबी के नाम से रोसबी लहरें भी किया जाता है। इन ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों अथवा रोसबी लहरों के मध्यवर्ती तीव्र गति के भागों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम तीव्र गति की ऊपरी वायुमंडलीय पवने हैं जो सौर मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। इनकी खोज उस समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध में फाइटर वायुयान के जो पायलट्स हैं उनको इन पवनों का सामना करना पड़ा। इन पवनों की गति 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है तथा ये ऊपर उड़ते हुए वायुयानों की गति को दिशा अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। इन पवनों की उत्पत्ति के क्या कारक क्या स्थिति है? भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों की वायु ठंडी तथा अधिक घनत्व वाली होती है, अर्थात ध्रुवों पर समदाब रेखीय सतह भूमध्य रेखा की अपेक्षा निम्नतर होती है। ऊपरी वायुमंडल के किसी विशेष स्तर पर भूमध्य रेखा के ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक दबाव पाया जाता है। इसका कारण भूमध्य रेखा पर वायु के गर्म तथा हल्की होकर ऊपर उठने तथा सवहनीय गति करना है, जिसे भूमध्य रेखा के ऊपरी वायुमंडल में अधिक मोटाई में वायु का वितरण पाया जाता है। दूसरी ओर ध्रुवीय क्षेत्र की वायु सघन तथा शीतल होने के कारण ऊपरी वायुमंडल में अत्यंत विरल होती है तथा ऊपरी वायुमंडल में दबाव गिरने लगता है। इसके फलस्वरूप भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक वायुमंडलीय दाब प्रवणता पाई जाती है जो ऊंचाई के साथ और तीव्र होती है। ऊंचाई के साथ जियोस्ट्रोफिक पवन के वेग में लगातार वृद्धि होती है। नीचे से ऊपर की ओर वेग वायु के वेग में ऐसा परिवर्तन विंड शीयर कहलाता है। चूंकि ऊंचाई के साथ दाब प्रवणता बढ़ती है इसलिए ऊपरी वायुमंडलीय स्तरों पर रोसबी लहरों की गति भी बढ़ती जाती है। ऊंचाई के साथ जियोस्ट्रोफिक पवनों की गति में परिवर्तन को थर्मल विंड भी कहा जाता है। ये आपकी किसी उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले स्थाई जेट स्ट्रीम की पहली अवस्थिति है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर पाई जाने वाली उपोषण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरा ध्रुवीय वातावरण के क्षेत्र के ऊपर या उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी के आसपास ऊपरी वायुमंडल में मिलने वाला उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम। ये दो उत्तरी गोलार्ध के और दो दक्षिणी गोलार्ध के जेट स्ट्रीम स्थायी रूप से पाए जाते हैं। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो ये आपका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और ये आपका उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री। भूमध्य रेखा पर सवहनीय धाराओं के कारण पवने गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है तथा वो अधिक मोटाई वाले सौर मंडल को विकसित करती है उत्पन्न करती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड के कारण पवने ज़्यादा मोटाई में पाई नहीं जाती है, वह सघन रूप में सहत रूप में कम मोटाई की वायुमंडल का निर्माण करती है। अगर हम किसी एक विशेष ऊंचाई की बात करें जहाँ मान लो 900 मिलीबार वायु दाब है तो
भूमध्य रेखा के ऊपर वायु गर्म होकर सवहनीय धाराओं के रूप में काफ़ी ऊपर तक पहुंचती है, इसलिए यहाँ ऊपरी वायुमंडल में वायु की मौजूदगी या वायु दाब अधिक पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु नीचे की ओर सिमटी हुई है, इसलिए यहाँ वायु का जो दाब है वो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पे मिलेगा, तो इसलिए वायु दाब की ढालनुमा सतहें पाई जाती हैं। ये 800 मिलीटर वायु दाब मिलीबार वायु दाब की है, 700 मिलीबार, 900 मिलीबार वायु दाब। भूमध्य रेखा पर उदाहरण के लिए ये 700 मिलीबार वायु दाब ज़्यादा ऊंचाई पे होगा, ध्रुवों पर कम ऊंचाई पे होगा। अगर 700 मिलीबार वायु दाब मान लीजिए 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ऊपर तो वायु का काफ़ी अधिकता है, लेकिन ध्रुवों के ऊपर वायु की कमी पाई जाती है। इस कमी से भूमध्य रेखा के ऊपरी वायुमंडल से ध्रुवों के ऊपरी वायुमंडल की ओर पवने चलने लगती हैं। जब ये पवने चलती हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है और जियोस्ट्रोफिक पवने, क्योंकि घर्षण का प्रभाव देखा नहीं जाता, इसलिए जियोस्ट्रोफिक गति की पवने हो जाती हैं। और ये पवने भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हुई पवने ध्रुवों की ओर जाते हुए अपने दाई ओर मुड़ जाती है समकोण पर, तो इनकी दिशा हो जाती है पश्चिम से पूर्व, तो इसलिए इनको ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवने कहा जाता है। इन पवनों के आंतरिक भाग में तेज गति की जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं पाई जाती हैं। वो आंतरिक भागों में वैसे तो अपने आप ही, क्योंकि घर्षण प्रभाव और कम होता है तो वायु की गति और तीव्र हो जाती है, तो ये जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवने या रोसबी लहरें, ये सब ऊपरी वायुमंडल की तीव्र गति की जोस्ट्रोफिक पवने हैं। ये जितना अधिक ऊंचाई पे जाएंगे भूमध्य रेखा के ऊपर, तो फिर भी वायु रहती है सवहनीय धाराओं से, ध्रुवों के ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वायु की कमी रहती है, तो इसलिए अधिक ऊंचाई पर वायु दाब में अंतर, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र के वायु दाब में अंतर काफ़ी अधिक हो जाता है, और जितना अधिक ऊंचाई पर जाएंगे उतनी तीव्र गति की पवने पाई जाती हैं। ऐसी अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गति की पवने, ज़्यादा ऊंचाई पर ज़्यादा तीव्र गति की पवने पाई जाती हैं। इस पवन की ऐसी अलग अलग ऊंचाई अनुसार परिवर्तनशील गति की जो स्थिति है उसको विंड शियर भी बोलते हैं, विंड शियर की स्थिति है ना। तो ये पवन तापमान ताप जनित कारकों से उत्पन्न होती है, क्योंकि उच्च तापमान के कारण भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हुई पवन तेजी ऊपर उठी हुई पवन से ही ज़्यादा ऊंचाई पर उच्च वायु दाब उत्पन्न होता है, और इस उच्च दाब के क्षेत्र से ध्रुवीय वायुमंडल के ऊपर हिस्से में निम्न दाब के क्षेत्र की ओर पवने चलती हैं, तो ये ऊपरी वायुमंडलीय रोसबी लहरें, पछुआ पवने या जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। जेट स्ट्रीम के जो कुछ प्रकार हैं या उनकी अवस्थिति के अनुसार जो प्रकार है, पहला है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, जो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के ऊपर 40 से 60 डिग्री अक्षांश में ध्रुवीय वाताग्र, जहाँ ध्रुवीय और गर्म पछुआ पवने धरातल वाली उनका मिलन क्षेत्र होता है, वो उनके ऊपर पाया जाता है। अभी हमने देखा था ग्लोब के ऊपर। दूसरा दूसरा जो जेट स्ट्रीम है वो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है, जो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी के क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री के आसपास स्थायी रूप से पाया जाता है। तीसरा अस्थायी या मौसमी जेट स्ट्रीम है, जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। बाद में मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे डिटेल। यह जेट स्ट्रीम एक मौसमी जेट स्ट्रीम है, जो कि ग्रीष्म काल में भारत और अफ्रीका के ऊपर प्रकट होता है और तिब्बत के पठार से जुड़ा है, और इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। चौथा जो जेट स्ट्रीम है वो ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम या समताप मंडल में मिलने वाला उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम है,
उपध्रुवीय क्षेत्र में। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर शीतल ध्रुवीय लंबी रात्रि 6 महीने की जो होती है अंधकारमयी रात्रि में ध्रुवों के ऊपर उत्पन्न होता है। इस मौसम में ऊपरी मंडल में तीव्र ताप प्रवणता उत्पन्न होती है जिसके कारण तीव्र पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रवाह उत्पन्न हो पाता है। कुछ स्थानीय कारकों से उत्पन्न होने वाले भी जेट स्ट्रीम है उनको स्थानीय जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह स्थानीय वायु की तापमान की जलवायु में तापमान की और पवन की गतियों की स्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे पूर्वी अफ्रीकी तट के पास पूर्वी अफ्रीकी पठार के प्रभाव से जुड़ा सोमाली जेट स्ट्रीम है जिसे फाइंड लेटर भी कहा जाता है। ये एक स्थानीय जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम में ऊंचाई के साथ एक तो परिवर्तनशीलता पाई जाती है, ऊंचाई के साथ उसमें गति में वृद्धि होती है, अभी हमने देखा है ना। दूसरा, शीतकाल में ग्रीष्मकाल की अपेक्षा अधिक तीव्र जेट स्ट्रीम उत्पन्न होते हैं और ज़्यादा पवन की गति भी अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि शीतकाल में भूमध्य रेखा पर तो फिर भी गर्मी के कारण सहनीय धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन शीतकाल में ध्रुवीय क्षेत्र पर 6 महीने सूर्य न उग पाने के कारण वहाँ अत्यंत शीतलता हो जाती है और उसकी वायु और भी संपीड़ित होकर कम मोटाई के वायुमंडल में ही सहत रूप में स्थित होती है। ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडल में वायु दाब बहुत कम हो जाता है शीतकाल में, और जबकि ध्रुवीय भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च वायु दाब ऊपरी वायुमंडल में बना रहता है। सवहनीय धाराओं से वायु ऊपर पहुंचती रहती है। तो शीतकाल में ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय ऊपरी वायुमंडल में वायु दाब में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यह ग्रीष्मकाल में यह तापमान में अंतर कम होता है, लेकिन शीतकाल में अधिक होता है। तापमान में अंतर भी और वायु दाब में अंतर पाया जाता है और इसके कारण तीव्र गति की शक्तिशाली जेट स्ट्रीम शीतकाल में उत्पन्न होती है। जेट स्ट्रीम में ये तो मौसम के अनुसार परिवर्तनशीलता, ऐसे दैनिक परिवर्तनशीलता भी होती है जो दिन और रात के अनुसार भी पाई जाती है। कई बार ऊपरी वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम समता मंडल के निचले भागों में प्रवेश कर जाते हैं। इस समय जेट स्ट्रीम में मौजूद नमी के कारण ऊपरी समता मंडल में समता मंडल के भाग में नमी के पहुंचने से मेघ आदि निर्माण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मौसम के अनुसार जेट स्ट्रीम प्रकट व विलीन होते हैं। भारत व अफ्रीका को प्रभावित करने वाली उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल ग्रीष्मकाल में ही पाई जाती है। जेट स्ट्रीम की एक सूचकांक दशा है, सूचकांक परिवर्तन इसमें आते हैं समय के साथ। सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण में भी हमने देखा था, जब ऊपरी वायुमंडल के जेट स्ट्रीम अपने मध्यवर्ती अक्षांशों में पाए जाते हैं तो उसे उच्च सूचकांक दशा कहा जाता है। इसमें ज़्यादा लहरनुमा प्रारूप नहीं होता, पश्चिम से पूर्व की ओर पवने चलती हैं। और दूसरी अवस्था में ये लहरनुमा प्रारूप अधिक विकसित रूप में पाया जाने लगता है। ये इन लहर का शीर्ष भाग है जिसे कटक बोलते हैं और ये नीचे द्रोणी है, जो तो शीर्ष भाग और द्रोणी। तीसरी अवस्था में ये लहर और भी ज़्यादा बड़े आकार के एम्पलीट्यूड की हो चुकी है और घुमाव और ज़्यादा विकट हो गए हैं, है ना। इसके बाद की जो दशा है उसमें ये लहरनुमा जो घुमाव है ऊपरी जेट स्ट्रीम के, ये कई कई अक्षांशों में मौजूद हैं ही, लेकिन अब ये घुमाव अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर अलग अलग कोशों में भी टूटने लगे हैं। जैसे ये निम्न दाब का चक्रवात है, उच्च दाब का ये प्रति चक्रवात है, इस प्रकार अलग अलग कोश। तो इस
ज़्यादा घुमाओ वाले, अधिक घुमाओ वाले इस जो जेट स्ट्रीम की जो दशा है उसको निम्न सूचकांक दशा कहा जाता है। निम्न सूचकांक दशा में ठंडी जो ध्रुवीय पवने हैं वो दक्षिण में छोटे अक्षांश या गर्म प्रदेशों में पहुंचने लगती हैं। निम्न ऊपरी वायुमंडलीय निम्न दाब के केंद्रों के साथ साथ और गर्म प्रदेशों की जो गर्म पवने हैं वो बड़े अक्षांशों की ओर जाने लगती हैं। तो इस निम्न सूचकांक दशा जो है अलग अलग समय में जो जेट स्ट्रीम में के घुमाव में जो विकटता में घुमाव में सर्पनुमा घुमाव में जो परिवर्तन आते हैं उसको उच्च सूचकांक दशा से निम्न सूचकांक दशा की ओर इसमें परिवर्तनशीलता आती है। निम्न सूचकांक दशा में ठंडी और गर्म यानी कि ध्रुवीय और उष्ण कटिबंधीय जो पवने हैं उनका लेन देन या विनिमय बहुत अधिक हो जाता है और इसके कारण पृथ्वी में तापमान या ऊष्मा का पुनर्वितरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऊपरी वायुमंडल में संपन्न होती है धरातल पे पछुआ और ध्रुवीय पवनों के कारण चक्रवात और प्रतिचक्रवातों से संपन्न होती है। ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम के माध्यम से यह संपन्न हो पाती है। जेट स्ट्रीम का हमारे वायुमंडल में या जलवायु के संबंध में क्या महत्व है? जेट स्ट्रीम विपरीत स्वभाव की वायरसियों के बीच पाए जाने वाले वातावरण के मध्य तीव्र ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न होती है और ये बहुत पवन शक्तिशाली पवन है। यह जेट स्ट्रीम घुमावदार मार्ग पर चलती है जिन्हें रोस्बी वेव्स कहते हैं। घुमावदार वायुमंडलीय पवनों का वेग सर्वत्र एक समान नहीं होता। तो एक पवन जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में पाई जाने वाली तीव्र गति की पवने हैं जो समय समय पर इनके घुमाव है ना सीधे होते रहते हैं या कई बार और भी ज़्यादा विकट होते रहते हैं। दूसरा है कई बार जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा से निकलकर निम्न समताप मंडल में भी पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा लाई गई जलवाष्प के कारण शुष्क एवं मेघ रहित समताप मंडल में कई बार बादल का निर्माण हो पाता है जिसे पक्षाभ प्रकार के मेघ या निशादित मेघ कहते हैं वो विकसित हो जाते हैं। ऊपरी वायुमंडल के में जेट स्ट्रीम के भीतर पूरी वायुमंडलीय अभिसरण विकसित होता है। वहाँ धरातल पर प्रति चक्रवात बनते हैं जहाँ ऊपरी वायुमंडल में जहाँ पर भी अपसरण विकसित होगा ना अभिसरण विकसित होगा। अभिसरण मतलब चारों ओर की वायु आकर मिलेगी और वो फिर धरातल पर नीचे प्रति चक्रवात के ऊपर नीचे उतरती है। तो ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण होगा यानी कि पवने आके मिलेंगी तो नीचे है ना अपसरण यानी कि प्रति चक्रवात पाया जाएगा और ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण होगा यानी कि चारों ओर की वायु आकर वहाँ पे मिलेगी तो नीचे अभिसरण करेगी तो नीचे वो अपसरण करने वाले प्रति चक्रवात को कि से उसका संबंध पाया जाएगा। इस प्रकार ऊपरी परतों में जेट स्ट्रीम अपसरण को विकसित करता है तो धरातल पर चक्रवात बनते हैं। ऊपरी वायुमंडल में अगर अपसरण विकसित होता है चारों ओर पवने निकलती हैं तो नीचे चक्रवात पाया जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में अगर अभिसरण होता है तो धरातल पर चक्रवात पाया जाता है। चक्रवात की ओर चलने वाले जो पवने हैं वो ना प्रति चक्रवात से निकलने वाले जो पवने हैं वो ऊपर अंततः ऊपर उठकर चक्रवातों के माध्यम से ऊपर उठकर एक बिंदु पर अभिसरण करती है और नीचे उतरती है जो प्रति चक्रवात के उच्च दाब को बढ़ा देती है। इसके विपरीत जहाँ धरातल पर चक्रवात होता है तो उसके ऊपर वायुमंडल में अपसरण की स्थिति पाई जाती है यानी कि वहाँ से चारों ओर पवने निकलेंगी। वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र होगा, नीचे निम्न दाब का चक्रवात, ऊपर उच्च दाब का प्रति
प्रति चक्रवात की दशा यानी अपसरण की दशा होगी। नीचे प्रति चक्रवात की दशा है यानी कि उच्च दाब तो ऊपर निम्न दाब की स्थिति होगी, वहाँ अभिसरण होगा। तो ऐसे ये ऊपरी वायुमंडल और धरातल का जलवायु मौसम है आपस में संबंधित होता है, गहन संबंध होता है। जेट स्ट्रीम के कारण उत्पन्न लंबवत पवन गति सौमंडल तथा समता मंडल के मध्य वायु में लगातार मिश्रण का कारण बनती है। तो जेट स्ट्रीम के कारण ऊपरी वायुमंडल में पवनों का मिश्रण होता है जिससे रासायनिक संगठन ऊपरी वायुमंडल में एक जैसा बना रहता है। प्रदूषण जो प्रदूषक तत्व मानव छोड़ता है ऊपरी वायुमंडल में वो भी इस ऊपरी वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम आदि के माध्यम से वो विलीन होते रहते हैं। संपूर्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जेट स्ट्रीम मानसून वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं। बाद में मानसून के डिस्कशन में हम देखेंगे कि मानसूनी वर्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है।